हमें दुआएं दो। चलो अब्बा जान उस छोड़ी हुई बकरी के बारे में बताएं। वो पूरे खेमे के लिए गुनाहों का कुफारा था और वो छोड़ी हुई बकरी के बगैर पूरा ना होता, और जो बकरी कुर्बान कर दी गई उसने हमारे गुनाहों को समेट लिया, और जो बकरी रह गई थी खेमे के बाहर के तमाम गुनाह अपने साथ ले गई हमेशा हमेशा के लिए। मूसा, मूसा, सफोरा, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सफोरा। मरियम और हारून दोनों बाहर हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे कह दो कि मैं कल मिलूंगा। बेहतर है। वो बहुत थक चुके हैं और हम भी थके हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वो आप लोगों से कल मिलेंगे। बहुत अच्छा, ठीक है, हम कल तक इंतजार कर सकते हैं। मरियम आओ, चलो चलो। क्या तुमने देखा हारून? वो हमें हमारे भाई मूसा से दूर कर रही है, और ये औरत सब कुछ अपने ताबे में कर रही है। वो लोग आपसे कल मिलने आएंगे। सफोरा, आज पहले दिन मुझे उस मिस्री को कत्ल करने का एहसास गुनाह नहीं हो रहा है। खुदा ने आज बेहतरीन फजल किया है कि मेरा एहसास जुर्म खत्म हो गया। ओ मूसा, मैं शुक्रगुजार हूं। अल्लाह ताला हमारे लिए राहें खोल रहा है सफोरा। मूसा, मूसा, अंदर आइए। आइए आइए, अंदर आइए। खुशामदी, तशरीफ रखिए। अल्लाह आप पर मेहरबान हो। और आप पर भी। आज सब लोग बहुत खुश हैं। जाहिर है अल्लाह के अहद का संदूक उनके दरमियान है। सुनिए मूसा, मैं आज आपके सामने कुछ कबूल करना चाहता हूँ। हाँ जरूर मेरे भाई। कल जब मैं तबर्रुख में खून के साथ दाखिल हुआ तो मैं चल नहीं सका। बेपनाह लुत्फ की लहरों ने मुझे मुतासर किया, जिसके बायस मैं बेहोश हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ मैं ही वो शख्स था जो वहां दाखिल हो सकता था। क्या होता अगर मैं अल्लाह ताला के हुजूर जाकर बेहोश हो जाता या मर जाता? आप मुझे बाहर कैसे निकालते? हो सकता है कि इसके लिए तुम्हारे पैरों में रस्सी बांधनी पड़ती। हारून, हाँ? अल्लाह तुम पर अपनी इबादत गाह में नजर रखेगा। सुनो मूसा, मुझे और भी कुछ कहना है। और क्या कहना है? चढ़ावे कुर्बानी रात दिन बढ़ती जा रही है, ख्वा किसी अकेले के लिए हो या जमात के लिए, हर मौके पर। इस तरह हम तमाम दिन खून आलूदा रहेंगे, और अगर हम इसे नस्ल दर नस्ल करेंगे तो मैं इसका शुमार भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तादाद हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा होगी। ला महदूद अल्लाह की तरह हमारी जिंदगी इस खून में है। मरियम, क्या हुआ?
एक औरत खेमे में आई है जो दर्द ज़हन में मुब्तिला है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। जी बेहतर है। एक औरत दर्द ज़हन में मुब्तिला है, मुझे उसके पास जाना ही होगा। मैं भी साथ चलती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी पहले की जो जिम्मेदारियाँ हैं, पहले तुम उन्हें पूरी करो, फिर कुछ और सोचना। देखा आपने मूसा, खेमे की इकलौती दाई है, इसलिए इसे घमंड हो गया। और वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई दूसरा भी इस काम में शामिल हो। कोई बात नहीं समूर, लेकिन उनकी ऐसी बातों से मेरे दिल को ठेस पहुंचती है। सुनो मूसा, आप मरियम को अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे यकीन है उसका मतलब सफोरा के एहसास को ठेस पहुंचाना नहीं था। मरियम सफोरा से हसद करती है हारून। मरियम, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी, आ जाओ। तुम्हारा सफोरा से इस तरह से बात करना सही नहीं था। मुझे वो कुशैनी औरत बिल्कुल पसंद नहीं है जिससे मूसा ने शादी की है। तुम्हें क्या तकलीफ है मरियम? वो हम में से नहीं है। इसके अलावा मूसा उसी की बात सुनते हैं। वो हमेशा ही उनको अपनी राय दिया करती है। मुझे मालूम है कि वो ऐसा ही करती है। तुम सही कह रही हो। जब से सफोरा आई है, हमारा भाई मूसा पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। मैं उसका सामना करने से बिल्कुल नहीं डरती। क्या? चलो चलो। मूसा। कौन है? मेरी बात सुनो मूसा, क्या अल्लाह ताला हमारे जरिए भी नहीं बोलता? क्या अल्लाह की आवाज सुनने वाले आप ही अकेले हैं? किस बारे में बात कर रही हो? क्या बात है मरियम? उस कुशैनी ने आपको अपने काबू में कर लिया है, और वो हमारे खानदान की नहीं है। उसका नाम सफोरा है, वो मेरी बीवी है। हारून, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि वो आप पर हावी है। तुमने जो कहा उससे मुझे तकलीफ पहुंची है मरियम। इस बारे में आप सोचिए मूसा, सोचिए इस बारे में। शब्बाह। हाँ, वो मौजू बड़ा मुश्किल था। तुम्हारी माँ ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। दूसरी तरफ वो मेरी बहन थी जिसने मेरी जिंदगी बचाई जब मैं बच्चा था। उन दोनों औरतों को मैं बेइंतहा चाहता हूं। मूसा, जल्दी आओ मूसा। यहोशु, क्या बात है? मजलिस के खेमे में आ जाओ, सब लोग वहां जमा हैं। ठीक है, मैं आता हूं। हारून, मरियम। क्या बात है मूसा? मालूम नहीं, मुझे खेमे में लोगों से मिलने जाना है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ठीक है। इस बात का क्या मतलब है मूसा? चलो हारून और मरियम, आ जाओ। कि
नबी मौजूद है, मैं वही देता हूँ बसार से और बातें करता हूँ ख्वाबों में, लेकिन अपने खिदमतगार मूसा की तरह उसके साथ वैसा सुलूक नहीं करता, मैं उसी से रूबरू गुफ्तगू करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मूसा पर तकलीफ करने की? सफोरा, आज पहले दिन मुझे उस मिस्री को कत्ल करने का एहसास गुनाह नहीं हो रहा है। खुदा ने आज बेहतरीन फजल किया है कि मेरा एहसास जुर्म खत्म हो गया। ओ मूसा, मैं शुक्रगुजार हूं। अल्लाह ताला हमारे लिए राहें खोल रहा है सफोरा। मूसा, मूसा, अंदर आइए। आइए आइए, अंदर आइए। हमें दुआएं दो। चलो अब्बा जान, उस छोड़ी हुई बकरी के बारे में बताएं। वो पूरे खेमे के लिए गुनाहों का कुफारा था और वो उस छोड़ी हुई बकरी के बगैर पूरा ना होता, और जो बकरी कुर्बान कर दी गई उसने हमारे गुनाहों को समेट लिया। खुशामदी, तशरीफ रखिए। अल्लाह आप पर मेहरबान हो। और आप पर भी। आज सब लोग बहुत खुश हैं। जाहिर है अल्लाह के अहद का संदूक उनके दरमियान है। सुनिए मूसा, मैं आज आपके सामने कुछ कबूल करना चाहता हूँ। हाँ जरूर मेरे भाई। कल जब मैं तबर्रुख में खून के साथ दाखिल हुआ तो मैं चल नहीं सका। बेपनाह लुत्फ की लहरों ने मुझे मुतासर किया, जिसके बायस मैं बेहोश हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ मैं ही वो शख्स था जो वहां दाखिल हो सकता था। क्या होता अगर मैं अल्लाह ताला के हुजूर जाकर बेहोश हो जाता या मर जाता? वो बहुत थक चुके हैं और हम भी थके हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वो आप लोगों से कल मिलेंगे। बहुत अच्छा, ठीक है, हम कल तक इंतजार कर सकते हैं। चलो चलो। क्या तुमने देखा हारून? वो हमें हमारे भाई मूसा से दूर कर रही है, और ये औरत सब कुछ अपने ताबे में कर रही है। वो लोग आपसे कल मिलने आएंगे। और जो बकरी रह गई थी खेमे के बाहर, के तमाम गुनाह अपने साथ ले गई हमेशा हमेशा के लिए। मूसा, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सफोरा। मरियम और हारून दोनों बाहर हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे कह दो कि मैं कल मिलूंगा। बेहतर है।